एडीजी अखिल कुमार के पहल पर शुक्रवार से पूरे जोन में बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब बीट पुलिस बीट ऑफिसर के रूप में जाने जाएंगे। इसके संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि बीट पुलिस सिस्टम को बढ़ावा देने एवं व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा बीट व्यवस्था के संबंध में क्रिएटिव रिलीज जारी किया गया। जोन के सभी रेंज एवं जनपद कार्यालय में क्रिएटिव रिलीज किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत लोगों के साथ वार्ता करके गांव क्षेत्र में जमीन से जुड़े सड़क बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, जो मुकदमे में वांछित होगी, उनका निस्तारण करेंगे। साथ ही साथ अपराधियों के बारे में भी छानबीन की जाएगी। ऐसे अपराधी जो अपराध की जगह से अपने आप को अलग करते हुए अपनी जीवन शैली बदल दिए हैं और ऐसे लोग जो भी अपराध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खाके तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, सर ये जो बीट अधिकारी लगाए हैं क्या है सर? एडीजी जोन गोरखपुर महोदय के जो ये नया सुदृढ़ अपडेटेड बीट प्रणाली आज से लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के साथ साथ महिला कर्मचारियों को, महिला कांस्टेबल्स को भी बीट पुलिस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है और इनको बीट पुलिस ऑफिसर के नाम से इनको एड्रेस किया जा रहा है, जिनको बीट बुक्स भी इशू किए गए हैं, संसाधन इशू किए गए हैं। साथ साथ इनको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये बीट में जाएं, बाकी ड्यूटियों से मुक्त करके इनको बीट तक जाने की, पहुंचाने की प्रयास जारी है। आज शुरुआत है, जिसमें ये लोग प्रधान से संपर्क करेंगे, पूर्व प्रधान से संपर्क करेंगे, बीडीसी सदस्य, पूर्व मौजूदा सदस्यों से भी बात करेंगे, महिला स्वयं जो सेवी जो संगठन है उनसे संपर्क करेंगे और तमाम जो जनप्रतिनिधिगण जो गांव लेवल पे ये लोग जुड़ेंगे और गांव से जुड़े हुए जानकारी लेके आएंगे, चाहे जमीनी संबंधित विवाह, चाहे कोई अच्छा काम हुआ हो, चाहे गलत काम हुआ, सारी जानकारी क्राइम और क्रिमिनल्स की भी रखेंगे। जो ऑपरेशन 15 हमने शुरू किया है, आगे ऑपरेशन दस्तक भी चल रहा है, सारे जो क्रिमिनल से जुड़े हुए जानकारी भी ये बीट लेवल पे एकत्रित करेंगे, कंपाइलिंग भी करेंगे और अपना बीट बुक भी मेंटेन करेंगे। अपराध नियंत्रण, अपराध रोकथाम के साथ साथ जो जनता से जुड़े हुए आम समस्याओं को निस्तारण हेतु भी प्रयास करेंगे। सर गांव में चौपाल भी लगाएंगे क्या ये लोग? जिससे प्रधान के साथ बैठेंगे, चौपाल लगाएंगे और जहां कभी भी कोई विवाद शुरू हो रहा हो या पहले से एग्जिस्टिंग हो या उच्च अधिकारी तक पहुंचाने के काम करेंगे। शिकायत भी लोग दर्ज करा सकते हैं गांव वाले इनसे? बिल्कुल, वहाँ पे ये प्रहरी ऐप जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐप्स हैं, जो कि प्रहरी ऐप बीट पुलिसिंग के लिए बनाए गए हैं, इसके साथ साथ यूपी कॉप ऐप से भी जो बहुत सारे तमाम वेरिफिकेशन, किराएदार वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इसमें भी इनको यूज़ करेंगे। अब इनके इसके साथ साथ जो त्रिनेत्र ऐप है, जो कि अपराधी की फीडिंग है, उसकी प्रोफाइल बनाने के काम भी, जिम्मा भी इनको दिया जा रहा है। एडीजी जोन गोरखपुर महोदय के द्वारा बीट प्रणाली को सुधार करके, आधुनिक करके, बीट पुलिस ऑफिसर को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी देके एक नया प्रणाली शुरू किया जा रहा है, अपडेटेड प्रणाली शुरू किया जा रहा है, जिसका लॉन्च आज एडीजी जोन महोदय के द्वारा किया गया है, जिसमें अब सिपाही बीट में अक्सर जाएंगे। पहले महिला नहीं जाते थे, महिला कर्मचारी, अब पुरुष सिपाहियों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी बीट पे जाएंगे, महिला संबंधित अपराध के संबंध में बीट लेवल की जानकारी करेंगे। ये अभी प्रारंभ है, इसकी अभी शुरुआत हुआ है। उम्मीद यह है कि हम लोग अच्छे से मेहनत करके इसमें क्वालिटी इंप्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सक्सेसफुल कराएंगे। इसमें यह है, मेनली बीट बुक नया दिया गया है, बीट रीऑर्गेनाइज किया गया है, बीट पे कर्मचारी पहले कभी नियुक्त थे, कभी कुछ जगह पे खाली भी, तो पूरी तरह से नियुक्त कर दिया गया है और उनको गाड़ी से लेके सारे प्रबंध करके देखे, इनको प्रधान से, जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न
जो संगठनों से, महिला संबंधित स्वयं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एनजीओ से, इनसे जुड़वा के ज़मीनी हकीकत से जुड़ेंगे, ज़मीनी लेवल पे लोगों का सेवा, पुलिस की सेवा पहुंच सकें, इस लेवल पे पहुंचेंगे, ये है।